तहरीके तहफ़ुज़ आइने पाकिस्तान के हमारे यहाँ पे सबके सब लीडरान, हमारे यहाँ पे दूर दराज से पंजाब से केपीके से आए हुए हमारे आए हुए साथी, आज आपको मैं वजीर आजम इमरान खान साहब का खसूसी मैसेज दे रहा हूँ। वजीर आजम इमरान खान साहब का मैसेज आप साथियों ने गौर से सुनना है। वजीर आजम साहब ने ख्वातीन आजाद बात की कि मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है जो के अवाम और फौज के दरमियान दरार डाल रही है और इसको हमने हर सूरत इंशाल्लाह ताला नाकाम करना है। इसके अलावा ख्वातीन औरत, हमारे जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्संस हैं जो कि हमारे लोगों को एजेंसियां उठा के लेके जाती हैं, उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये भी आप बात याद रखें कि इस वक्त हमारे रऊफ हसन साहब को भी इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन किया हुआ है। हमारे मुराद सईद साहब इस वक्त यहाँ पे नहीं है और वो रूपोश है। इसके साथ साथ आप ख्वातीन हज़रात ये बात याद रखें कि मईशत का जो हाल बना हुआ है वो इस वक्त इस इंपोर्टेड हुकूमत और पीडीएम की शहबाज शरीफ की हुकूमत की वजह से है। तो शाखाना केस हो या महंगाई हो, ये सब का सब इस वक्त ख्वातीन हज़रात सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम फॉर्म 47 शहबाज शरीफ की वजह से है। इस वक्त हमारे हाजी इम्तियाज साहब एमएनए, उनको भी इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन करार दिया गया है। हमारे अजहर मशवानी साहब के भाई को यहाँ पे यरगमाल बनाया हुआ है। मैं आखिर में यहाँ पे एक बात कहूंगा कि जितने हमारे यहाँ पे आप साथी आए हैं, आपको पंजाब से जो हमारे साथी आए हैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान साहब के लिए आप खड़े हैं, दूर दराज से आए हैं, हम लोग आपको ख्वातीन हज़रात हम लोग खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस वक्त हमारे कायद वजीर आजम इमरान खान साहब की कॉल आएगी आपने इंशाल्लाह ताला उस कॉल पे लब्बैक करना है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।